हेलो दोस्तों, मैं प्रेम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल द टाइम्स एजुकेशन में। पहली बार तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी वीडियो को प्ले किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हिंदू धर्म में कितने प्रकार के विवाह होते हैं और हम जो विवाह करते हैं वो किस हिसाब कौन सा विवाह है, और लड़के जो भाग के शादी करते हैं वो कौन सा विवाह है, और आश्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम हो गया, और इन और तुम्हारा ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और हम आगे चर्चा करेंगे कि जो संस्कार हैं, जो हमें संस्कार दिए जाते हैं, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ऋण के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे पितृऋण हो गया, देव ऋण हो गया, ऋषि ऋण हो गया, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा विवाह रहेगा, तो विवाह जो टॉपिक रहेगा। और हाँ दोस्तों, मैं जो विवाह पढ़ाने जा रहा हूँ इससे भी काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं कि निंदनीय विवाह कौन सा है, प्रशंसनीय विवाह कौन सा है। ऑप्शनल में दे दिया जाता है कि इसमें से बताइए निम्न में से निंदनीय विवाह कौन सा है या प्रशंसनीय विवाह कौन सा है। मेरी वीडियो को देखने से पहले आप लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए चलते हैं विवाह के बारे में। तो एक मनुस्मृति है जो कि सबसे प्राचीनतम स्मृति है। मनुस्मृति है जो सबसे प्राचीनतम स्मृति है। इस स्मृति में बताया गया है कि विवाह के 8 प्रकार होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है। तो मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम स्मृति है और जिसमें विवाह बताए गए हैं कि 8 प्रकार के हैं, और 8 प्रकार के विवाहों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से? एक प्रशंसनीय विवाह, और दूसरा निंदनीय विवाह। तो आइए समझते हैं ट्रकों के साथ कि प्रशंसनीय विवाह कौन कौन से होते हैं, निंदनीय विवाह कौन कौन से होते हैं। आइए चर्चा करते हैं अब विवाहों के बारे में। तो नोट करते चलें और पेन और नोटबुक अपने साथ रखें, जो भी मैं बोलता जाऊं उन सब पॉइंटों को नोट्स करते जाएं। तो पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा प्रशंसनीय विवाह रहेगा। प्रशंसनीय विवाह दोस्तों वो विवाह होते हैं जिनमें प्रशंसा होती है, यानी कि मतलब जिनमें सबकी राजी हो, यानी कि घर वाले जो होते हैं अपनी मर्जी से शादी कराएं कन्या की, तो वो प्रशंसनीय विवाह होते हैं। और निंदनीय विवाह जो होते हैं जो बलपूर्वक किए ले आते हैं या फिर कोई राक्षस विवाह होते हैं, इनमें कई एक विवाह आते हैं। तो इनके लिए दोस्तों एक ट्रिक बनाई है मैंने, वो ट्रिक है पहली बात कि प्रशंसनीय भी जो विवाह होते हैं वो 4 होते हैं, 4 विवाह आते हैं इसके अंतर्गत। इसके लिए ट्रिक बनाइए, वो ट्रिक ये है कि आप देव हो। अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए ऐसा काम कर दे जो इम्पॉसिबल हो तो क्या कहते हैं कि आप हमारे लिए देवता के समान हो। तो आप क्या हो? एक देव हो। तो जिससे मिलते हैं आपसे एक ही करके, तो पहला क्या हो गया? आसे, आर्ष विवाह, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह दोस्तों वो विवाह होता है जिसमें अगर कोई कन्या का पिता, यानी कि एक पिता है जो यज्ञ करना चाहता है और उसके पास कोई गाय नहीं है, तो एक या और एक व्यक्ति है उसके पास गाय है, यानी कि ये कन्या का पिता है और इसके पास कुछ गाय हैं, यहाँ पर ठीक, इसके पास कुछ गाय हैं और ये व्यक्ति जो है कन्या का पिता है, ये यज्ञ करना चाहता है, इसके पास गाय नहीं है,
तो यह क्या करेगा, इससे गाय लेगा, तो एक या दो गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह इस व्यक्ति के साथ कर देगा, इससे गाय ले लेगा और लेकिन अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर देगा। तो इस विवाह को क्या बोला जाता है, आर्स विवाह बोला जाता है, कि कोई पिता अपनी कन्या का विवाह एक या दो गाय के बदले में, जो यज्ञ करना चाहता है एक या दो गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह उस व्यक्ति के साथ करता है, उसे आर्स विवाह कहते हैं। दूसरा विवाह है दोस्तों, पास से देखा जाए तो हमारा प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह दोस्त वो विवाह होता है जिसमें लड़का खुद जाकर कन्या के पिता से कन्या को मांगकर विवाह कर लेता है, यानी कि कोई व्यक्ति कन्या के पिता से कन्या को मांगकर विवाह करता है, कन्या के पिता से कहकर, तो उसे प्रजापत्य बोला जाता है। यानी कि अगर मान लो कि एक लड़का है, ये लड़की से प्यार करता है और इसका पिता है ये, तो इसके पास ये जाएगा, इसका हाथ मांगेगा, तो इसकी अनुमति से जो विवाह करता है लड़का, इस कन्या के पिता को बताकर उससे प्रजापत्य विवाह बोला जाता है। अब तीसरा विवाह नोट करते जाएं इसे, तीसरा विवाह है दोस्तों देव विवाह। देव विवाह ये दोस्तों हमारे हिंदू धर्म के विवाह हैं, जो हमारे ये हिंदू धर्म में हैं। देव विवाह वो होता है यज्ञ करने, यानी कि कोई पिता है यज्ञ करा रहा है और जो यज्ञ करने वाला पुरोहित है यानी कि पंडित है ब्राह्मण है, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करना देव विवाह कहलाता है। चौथा विवाह हो गया ब्राह्मण विवाह, मतलब ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह आजकल जो शादियाँ हो रही हैं, यानी कि कन्या के माता पिता कन्या के लिए एक योग्य वर ढूंढकर खोजकर उसकी शादी उस व्यक्ति उस वर के साथ कराते हैं, वो कन्या देव ब्रह्म वर यानी कि ब्रह्म विवाह होता है। यानी कि आजकल जो हमारे माता पिता लड़कियों के लिए एक योग्य वर ढूंढकर उनकी शादी कराते हैं, तो ज़्यादातर हमारे धर्म हिंदू धर्म में होने वाले विवाह होते हैं ब्रह्म विवाह। और जो ये एक विवाह और होता है वो गंधर्व विवाह होता है हमारे हिंदू धर्म में, जिसमें लड़के लड़की भाग कर जो शादी करते हैं वो गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। तो देव विवाह वो होता है जिसमें कन्या का पिता यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, और ब्रह्म विवाह माता पिता कन्या के उसके लिए योग्य वर ढूंढकर जो विवाह करती है उसके साथ, वो देव विवाह ब्रह्म विवाह होता है। अब जानेंगे दोस्तों ये रहे प्रशंसनीय विवाह, अब बात करते हैं निंदनीय विवाह की। निंदनीय विवाह इनकी भी संख्या दोस्तों चार होती है, इनके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने कि पैर अंग है, तो इसके लिए दोस्तों जो ट्रिक बनाई है मैंने वो बनाई है पैर अंग है। तो पैर क्या है, पैर एक हमारे अंग ही तो हैं, तो इसके लिए इससे हम याद रखेंगे कि कौन कौन से विवाह हैं। आइए बात करते हैं ट्रिक के साथ। तो निंदनीय विवाह पास है पेशाच विवाह, तो इसका जो निंदनीय विवाह का पहला विवाह होगा पेशाच विवाह होगा, यानी कि कोई व्यक्ति सोई हुई औरत या विक्षिप्त औरत के या लड़की के कन्या के साथ सहवास करके जो विवाह करता है उसे पिशाच विवाह करते हैं। मानो कोई स्त्री सो रही है या फिर कोई विक्षिप्त कन्या है जो सोती हुई है और उसके साथ कोई व्यक्ति सहवास करता है और उसके साथ सहवास करने के बाद विवाह करता है, उसे पिशाच विवाह कहा जाता है। दूसरा विवाह है दोस्तों इसमें राशि राक्षस विवाह। राक्षस विवाह दोस्तों वो विवाह होता है जिसमें बलपूर्वक कन्या के साथ विवाह कर लिया जाता है किसी से, जैसे कोई व्यक्ति है उसकी कन्या है, उसको जबरदस्ती बलपूर्वक उससे छीन कर उसके साथ जो विवाह किया जाता है उसे राक्षस विवाह जो है वो निंदनीय विवाह के अंतर्गत आता है। असुर विवाह, असुर विवाह, असुर विवाह वो विवाह होता है जिसमें कन्या का पिता कन्या को विक्रय रूपी विवाह कर देता है, यानी कि किसी कोई धन के बदले में, मानो
ये कन्या का पिता है और ये कोई व्यक्ति है। इसके पास एक कन्या है, ये अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करता है और इससे बदले में क्या ले लेता है, धन। और इसके साथ कन्या, इसको कन्या दे देता है, तो अपनी कन्या का विवाह कर देता है इसके साथ और इससे बदले में ले लेता है धन। तो इसे विक्रय रूपी धन विवाह बोला जाता है, यानी कि कोई पिता अपनी कन्या का एक विक्रय रूपी विवाह करता है तो उसे असुर विवाह कहा जाता है। इसका चौथा विवाह जो रह गया, गंधर्व विवाह। आजकल जो जनरेशन चल रही है वो गंधर्व विवाह की जनरेशन चल रही है। क्या करते हैं लड़के लड़की, क्या होते हैं, प्रेम करते हैं, एक दूसरे प्यार मोहब्बत में वसीभूत होकर क्या करते हैं, भाग शादी कर लेते हैं, तो उसे प्रेम विवाह भी कहते हैं और इसे गंधर्व विवाह भी कहा जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, ज़्यादातर जो आजकल जनरेशन चल रही है वो गंधर्व विवाह की चल रही है। और ब्रह्म विवाह जो हो रहे हैं वो हिंदू धर्म में चाहे मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उनमें ब्रह्म विवाह भी चल रहे हैं और गंधर्व विवाह भी चल रहे हैं। तो गंधर्व विवाह आजकल जो लड़के लड़के हैं भागकर शादी करते हैं प्रेम में वशीभूत होकर, प्रेम कामुकता में, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। और ब्रह्म विवाह जो होता है वो जो प्रशंसनीय विवाह के अंतर्गत आता है, उसमें कन्या के माता पिता कन्या के लिए योग्य वर ढूंढकर उसके लिए उसकी शादी उसके साथ करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये रही विवाह की बात, अब बात करेंगे आश्रम। आश्रम क्या होता है? आश्रम होता है श्रम के बाद विश्राम करना, यानी कि हम लोगों ने बहुत काम कर लिया, अब हमें क्या करना चाहिए, आश्रम विश्राम करना चाहिए। तो आश्रम का मतलब यही है कि श्रम के बाद विश्राम। श्रम के बाद विश्राम, तो आश्रम को आश्रम चार हैं, चार प्रकार के आश्रम हैं। कौन कौन से हैं बात करते हैं, तो आश्रम पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्म आश्रम, ऐसे ब्रह्मचर्य आश्रम भी बोला जाता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। देखिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्जाम देना है तभी हमें ये चीज़ पढ़नी चाहिए। एक हिंदू न होने के नाते या फिर एक इंसान यानी कि मानव होने के नाते हमें ये सब जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी बहस भी हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे कम से कम अगर आप शिक्षित हो तो कहीं ना कहीं आपके बातों में इतनी दम होनी चाहिए कि हाँ किसी को लगे कि हाँ इस व्यक्ति इस लड़के के लिए थोड़ा बहुत इस चीज़ों के बारे में ज्ञान है कि ये ब्रह्मचारी आश्रम क्या हो रहा होता है, गृहस्थ आश्रम क्या होता है, वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है, संन्यास आश्रम क्या होता है, इन सब के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। देखिए अगर जानने की इच्छा है, अगर आपके अंदर लगन है कि मुझे ज़्यादातर नॉलेज होनी चाहिए, मैं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहता, मैं जहाँ से भी जो भी नॉलेज मिलती है चाहे वो छोटे से सही चाहे बड़े से सही, हर नॉलेज के लिए ग्रहण करता हूँ और अपने अंदर लेता हूँ। और आज तक मेरा यही बोल उद्देश्य रहा है कि ज्ञान जहाँ से भी मिले ना उसे बटोलो, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप आज समझते हो, कहीं आगे कहीं रिश्तेदारी या कहीं भी चल जाते जाते हो और वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में पुराने बुजुर्ग बड़े बूढ़े जो होते हैं बातें करते हैं, तो क्या होता है अगर आप भी वहाँ खड़े हो, अगर आप भी अगर बात चले कि गृहस्थ आश्रम की, गृहस्थी क्या होती है,
तो आप भी उनके बारे में कुछ अपनी राय दे सकते हो। तो इससे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है कि हाँ इस बंदे के अंदर कुछ है। आज की जनरेशन, ये इस जनरेशन में होने के बावजूद भी इस लड़के को इन चीज़ों के बारे में ज्ञान है, यानी कि ये अच्छा पढ़ा लिखा अच्छा सभ्य लड़का है। तो यानी कि हमें ज़रूरी नहीं है सिर्फ एग्ज़ाम में आए तभी पढ़ना है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो आइए बात करते हैं धीमे धीमे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इनकी आयु जानेंगे, क्या काम होता है, पुरुषार्थ क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की जो आयु होती है वो 0 से लेके 25 वर्ष होती है, और इसमें जो काम होता है, कार्य, वो ज्ञान प्राप्ति करना होता है, और पुरुषार्थ ज्ञान प्राप्ति करना होता है, और पुरुषार्थ जो होता है वो धर्म, यानी कि हमें अपने धर्म पे चलना है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जिसकी आयु 0 से लेके 25 वर्ष तक होती है, 25 वर्ष तक हमें क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। 25 वर्ष के बाद पता होता है कि हमें अब क्या करना, क्या लाइफ में शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, क्या काम करना है, फैमिली कैसे पालनी है, फैमिली की देख रेख कैसे करनी है, पैसा कहाँ से लाएँ, उसके बाद का कार्य ये वो होता है हमारे वानप्रस्थ आश्रम का, सॉरी गृहस्थ आश्रम का। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में जीरो, जब तक हम 25 वर्ष के हो रहे हैं तब तक हमें क्या करना है, सिर्फ ज्ञान की प्राप्त करनी है। अब ज्ञान पाने के बाद करें क्या उसका, तो वो आएगा गृहस्थ आश्रम में। तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष का अर्थ क्या है, पुरुष का अर्थ क्या है, यानी कि पुरुष का मतलब क्या, पुरुष करे तो करे क्या, तो उसका जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। तो वो क्या है कि 25 साल तक हमें क्या करना है, सिर्फ धर्म पे चलना है, चलना बाद में भी है लेकिन जो मुख्य बिंदु होता है इसका पुरुषार्थ का धर्म होता है। अब जो दूसरा आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। दोस्तों जो गृहस्थ आश्रम है इसे सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ मानने के लिए इसके जो कारण हैं वो भी बताऊंगा। तो पहले जानते हैं इसकी आयु, इसकी आयु जो दो गृहस्थ आश्रम है उसकी आयु जो है वो 26 से 50 वर्ष है, और इसका जो कार्य होता है यानी कि इस उम्र में हम काम करें तो करें क्या, तो इसमें क्या होता है, सांसारिक जीवन, सांसारिक जीवन, यानी कि 26 से लेकर 50 तक की जो हमारी उम्र होती है वो हमारे सांसारिक जीवन की होती है, और हमारा जो काम होता है पुरुषार्थ वो अर्थ व काम होता है, अर्थ व काम, यानी कि अर्थ से मतलब संपत्ति को अर्जित करना, और काम से मतलब काम वासना यानी कि काम सूत्र, यानी कि बच्चे बच्चे अपनी संतान पैदा करना। तो गृहस्थ आश्रम की आयु 26 से लेकर 50 वर्ष की होती है, पुरुषार्थ आश्रम में अर्थ व काम होता है यानी कि अपनी संपत्ति को अर्जित करना, अपने बच्चों की देखरेख करना, संतान उत्पन्न करना, और कार्य होता है वो सांसारिक जीवन होती है। तो गृहस्थ आश्रम में सांसारिक जीवन आता है, और गृहस्थ आश्रमों को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ बताया गया, श्रेष्ठ इसलिए बताया गया कि इसकी इस आश्रम से निवृत्त होने के लिए हमें 3 ऋण चुकाने पड़ते हैं। दोस्तों जब अगर हम लोग इस संसार में आए हैं तो हमारे ऊपर ज़रूरी नहीं है कि पैसों का कर्ज हो किसी का, हमारे ऊपर भी 3 ऋण हैं, उन ऋणों को चुकाने के लिए वो ऋण चुकाने बहुत अति आवश्यक होते हैं जो गृहस्थ आश्रमों में बताए गए हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ या फिर त्रिवर्ग ऋण कहा जाता है या त्रिऋण कहा जाता है। तो पहले बात करते हैं इसके तीसरे आश्रम के बारे में, फिर हम बात करेंगे ऋणों के बारे में कि वो कौन कौन से ऋण हैं जो इंसान पृथ्वी पर आकर उन ऋणों को चुकाता है। तो तीसरा जो आश्रम है दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम।
इसकी आयु दोस्तों, इसकी आयु 51 से 75 वर्ष है। कार्य ईश्वर में ध्यान। और पुरुषार्थ मोक्ष। तो वानप्रस्थ आश्रम जो है 51 से 75 साल तक होता है, 51 साल से लेकर 75 वर्ष तक होता है। इसमें कार्य ईश्वर का ध्यान, यानी कि ईश्वर की हमें भक्ति करनी चाहिए। पुरुषार्थ है, इसका मतलब अगर जब ईश्वर की भक्ति करोगे तो ईश्वर हमें मोक्ष की प्राप्ति देगा, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगी, परमात्मा के जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे। चौथा आश्रम है दोस्तों, लास्ट आश्रम है संन्यास। संन्यास आश्रम यानी कि ये जो आश्रम है वो हमारे जीवन के स्टेप हैं, यानी कि किस स्टेप में हमें किस कौन सा कार्य करना है, फर्स्ट स्टेप में कौन सा करना है, थर्ड स्टेप में कौन सा करना है, फोर्थ स्टेप में कौन सा करना है, इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन की एक यानी कि स्टेज बता दिए कि इस स्टेज पर आके आपको ये कार्य करना है और स्टेज पर आके आपको ये कार्य करना है। तो संन्यास आश्रम में इसकी दोस्तों जो एज है वो 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष है, यानी कि ये जो आश्रम है वो 76 वर्ष जब हमारी आयु हो जाती है तब स्टार्ट होता है और 100 वर्ष पे जाके लास्ट हो जाता है। कलयुग में जो व्यक्ति की आयु दी गई है वो 100 वर्ष दी गई है, 100 वर्ष कलयुग के अनुसार व्यक्ति की आयु है। अच्छा, और इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, तपस्या करना, तपस्या करना। और इसका जो पुरुषार्थ है यानी कि ह्यूमन का जो मीन है वो क्या है, मोक्ष है। तो भक्ति करने से हमें मोक्ष प्राप्ति होती है, तपस्या करने से भी मोक्ष प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के कितने साधन है, 3। कौन सा को यानी कि मोक्ष प्राप्त करनी है तो इसके लिए भक्ति कर सकते हो, कर्म कर सकते हो ज्ञान से। तो किसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, कर्म, भक्ति और ज्ञान से। तो ज्ञान का ब्रह्मचर्य आश्रम वाला हो गया और कर्म हमारा गृहस्थ आश्रम में हो गया। अगर अच्छे काम करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, गलत काम करोगे भुगतोगे। और वानप्रस्थ आश्रम हो गया। आइए जानते हैं जो ऋण है हमें कौन कौन, जब हम पृथ्वी पर आ ही गए हैं तो हम इनके बारे में जानना चाहिए कि हिंदू धर्म में जो ऋण है वो कौन कौन से ऋणों को चुकाना हमें अति आवश्यक है। दोस्तों हर इंसान इन ऋणों को चुकाएगा। तो गृहस्थ आश्रम को पहली बात तो कि जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ बताया गया है। और इसलिए श्रेष्ठ बताया क्योंकि इस आश्रम में उन ऋणों को बताया गया है जिसमें वो इंसानों को चुकाने होते हैं। तो इसे त्रिऋण, त्रिऋण नाम दिया गया है, या पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ या त्रिवर्ग। तो कौन कौन से ऋण है, पहला जो ऋण है वो ऋषि ऋण है, ऋषि ऋण। दूसरा ऋण है पितृ ऋण। तीसरा ऋण है देव ऋण। ये जो 3 ऋण हैं हर इंसान को चुकाने पड़ते हैं। जो इंसान जिसने पृथ्वी पर जन्म ले लिया एक बार वो इन 3 ऋणों को चुकाएगा। ऋषि ऋण, अगर आप वैदिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन कर लेते हो तो आपने ऋषि ऋण को चुका दिए। यानी कि जो भी महाकाव्य हो गए जिनमें ईश्वर का ज्ञान हो, ईश्वर के बारे में जानकारी दी गई है, बातें बताई गई हैं, यानी कि वैदिक ग्रंथों के बारे में वेद हो गए, उनकी आपने अगर अध्ययन कर लिया तो आपने ऋषि ऋण को चुका दिया। पितृण, अगर आपको संतान हो गई, आपको पुत्र की मैं हूँ, अगर मुझे जैसे मैं हूँ तो पुत्र को मुझे पुत्र की उपाधि उत्पत्ति हो गई तो मैंने पितृण चुका दिया। तो इंसान जब किसी व्यक्ति को पुत्र की उत्पत्ति हो जाती है
तो वो पितृऋण चुका देता है। देवऋण जो देवऋण चुकाने का एक रास्ता है कि अगर यज्ञ कराना, अगर कोई इंसान अपने घर में यज्ञ कराता है, या तो पहले क्या प्राचीन काल में लोग यज्ञ कराया करते थे, तो वो देवऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञ कराया करते थे। तो यज्ञ करवा दिया तो देवऋण चुका दिया, पितृऋण मगर संतान की उत्पत्ति हो गई, पुत्र की उत्पत्ति, तो पितृऋण से निवृत्त हो गए। और आपने अगर वेद ग्रंथों का अध्ययन कर लिया तो आप ऋषि ऋण से भी निवृत्त हो गए। तो इन तीनों ऋणों से निवृत्त होना आवश्यक बताया गया है गृहस्थ आश्रम में, इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ बताया गया। ये रहे दोस्तों हमारे आश्रम। अब बात करते हैं ऋण भी हो गए, अब बात करते हैं संस्कार। दोस्तों ये संस्कार क्या है? संस्कार वो चीज़ें होती हैं, वो ज्ञान होती है, वो बातें होती हैं जिनके अनुसार एक व्यक्ति को नेक सामाजिक यानी कि समाज के योग्य नागरिक बनाया जाता है। ये संस्कार जीवन जन्म से पहले से स्टार्ट होते हैं और मृत्यु के बाद भी चलते रहते हैं। हमारे साथ कौन कौन से संस्कार होने, अंतिम संस्कार होना या दाह संस्कार होता है या नामकरण संस्कार होना है, वो सब संस्कार ऐसे हैं। तो संस्कार जो हैं इनको, इनकी जो संख्या है वो 16 संख्या है। तो संस्कार क्या है कि ये एक वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति को समाज के योग नागरिक के रूप में तैयार किया जाता है, जिससे उसको समाज की समझ हो, समाज में उसकी सभ्यता हो और वो समाज को सम्मान दे, लोग उसे सम्मान दें, यानी कि समाज में रहने योग्य एक व्यक्ति को तैयार किया जाता है संस्कारों के अनुसार। इसका अर्थ ही होता है परिष्कार या शुद्धिकरण। सोलह संस्कार हैं और इसमें एक दोस्तों संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार इसमें क्या होता है, इस संस्कार के बाद जो बालक होता है वो द्विज कहलाने लगता है, द्विज कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि द्विज बालक, द्विज क्या होता है? तो द्विज होता है जिसका दो बार जन्म हुआ हो। जन्म होने के बाद उपनयन संस्कार होता है, उस संस्कार के बाद बालक द्विज या ब्राह्मण कहलाता है। तो ये संस्कार है, संस्कार क्या होता है जैसा कि बता दिए मैंने कि ये एक वो प्रक्रिया होते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति को समाज के योग्य एक नागरिक के रूप में तैयार करते हैं, इसका शुद्धिकरण करते हैं। तो संस्कारों की संख्या 16 है। एक शब्द आता है दोस्तों मुनित्रय, 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 ये शब्द क्या है? इस शब्द से हमें तीन ऋषियों की जानकारी मिलती है, तीन ऋषियों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से? पाणिनी, पाणिनी इडिनी और कात्यायन, कात्यायन और पंतजलि। इनकी दोस्तों बुक्स हैं पाणिनि की, जो बुक है दोस्तों उसका नाम है अष्टाध्यायी। और कात्यायन की पुस्तक है वार्तिका। और पंतजलि की जो बुक है महावास। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंतजलि की बुक है क्या है, इसका नाम क्या है? महाभाष्य की है। महाभाष्य किसकी किताब है? तो पंतजलि की है। वार्तिका किताब किसकी है? कात्यायन की है। पाणिनि की बुक जो है अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी से एक सबसे इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि संस्कृति का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ। तो संस्कृत का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है और जो कि पाणिनि की बुक है। तो आज का ये लास्ट टॉपिक था,
इससे आगे की चर्चा करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट लेके आते रहेंगे। ये तो एक जानकारी, देखो जब हिंदू में हो, जब यानी कि मानवता मतलब क्या होता है, जब हमने जन्म लिया है पृथ्वी, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, लेकिन हाँ, ये जो है ये टोटल पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये पूछे गए वो क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पाणिनि की किताब कौन सी है, अष्टाध्यायी संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी है। तो आज के लिए बस इतना ही, देख मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।